बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वज़ाइफ़ के मुक़द्दस सिलसिले के साथ हाज़िरी ख़िदमत हैं बरादरान इस्लाम। हमारे यहाँ अक्सर छोटी उम्र हो या सीनियर हो, वो फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जब हमें ये बताते हैं कि एक अनजाना सा खौफ है जिसका हम मुसलसल शिकार रहते हैं, कोई साया है जो हमारी तरफ पड़ता नज़र आ रहा है, या कोई ऐसी मखलूक है जो मुख्तलिफ़ रूप धार के आती और हमें डराती है, तो ऐसा कोई सा भी अमल, ऐसी कोई सी अजनबी चीज़, कोई ऐसा साया, कोई ऐसा खौफ जो हमें मुसलसल शिकार करता चला जा रहा हो और हम उसके शिकार होते चले जा रहे हों, तो एक ऐसा अमल भी पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जिसको अगर इख्तियार कर लिया जाए तो मौत के सिवा हर चीज़ से हम अमन में आ जाएंगे, सलामती में आ जाएंगे, परवरदिगार आलम हमारी हिफाजत फरमाएगा। मसनद बजाज के अंदर यह हदीस तैयबा मौजूद है। तफसीर इब्न कसीर ने भी जल्द एक सफ़ा नंबर 32 पर इसे तहरीर फरमाया है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम बिस्तर पर लेटो तो सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लो, तो मौत के सिवा हर चीज़ से आपको परवरदिगार आलम अमन अता फरमाएगा। इंतहाई मुख्तसर लेकिन मुजर्रब वजीफ़ा है ताकि आपके अंदर के खौफ ख़त्म हो, आपको चैन की नींद आए और आपकी ज़िंदगी पुरअमन गुजरे। परवरदिगार आलम हमें इस वजीफ़े पर मुसलसल अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद रहनुमाई के लिए आप स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर के ज़रिए आप हमसे राबता कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया।